हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में एक विक्षिप्त युवक को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पीट दिया। किसी तरह लोगों से छुड़ाकर पुलिस उसे कोतवाली ले गई। इस मामले में एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कहा कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, यह महज अफवाहें हैं। मारपीट की लाइव तस्वीरें हरदोई जिले से हैं। दिमागी रूप से विक्षिप्त किस्म के व्यक्ति को आजकल चल रही बच्चा चोर समझकर छात्राओं की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने पीटना शुरू कर दिया। कई जनपदों में ग्रामीण इलाकों में मारपीट की बड़ी बड़ी घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं गांव मुरीदापुर में भी दोपहर में इस घटना को देखा गया। कई ऐसी घटनाएं आसपास के जनपदों में पता चली हैं, जहां पे शक के आधार पे, बच्चा चोरी के शक के आधार पे बैलेंस हुआ है कुछ लोगों के साथ। उसमें कुछ जांच पड़ताल के बाद कुछ महिलाएं विक्षिप्त पाई गई, कुछ पुरुष उसमें इस तरह के पाए गए जिनका उस घटना में कोई रोल नहीं था, लेकिन एक मास हिस्टीरिया के का शिकार हुए। मेरी आप सब लोगों से अपील है, आपके चैनलों के मार्फत, इस बात को आम जनता तक जरूर पहुँचाए कि सतर्क जरूर रहें, लेकिन शक के आधार पर किसी के साथ मारपीट ना करें। यदि उनको इस तरह की कहीं कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई ऐसा व्यक्ति संदिग्ध दिखाई पड़ता है या कोई संदिग्ध महिला भी दिखाई पड़ती है, तो उसके बारे में तत्काल संबंधित थाने को, चौकी को 100 नंबर पर सूचना दें, अधिकारियों को सूचना दें। और यदि उनको लगता है कि मामला बहुत गंभीर है, पुलिस के रिएक्शन टाइम को लेकर कोई मन में उनके दुविधा है, तो कम से कम 4 लोग मिलकर उसको वहाँ अपने पास बिठा लें और पुलिस का वेट कर लें। किसी भी तरीके का कोई बैलेंस ना करें, कोई मारपीट ना करें, क्योंकि उससे केस बिगड़ भी सकता है और घटना झूठी भी साबित हो सकती है। और मैं चाहूँगा कि इस मैसेज को आप लोग दूर दूर तक पहुँचाएँ, ताकि इस तरह की कोई मॉबिंग चुकी या कोई अनड्यू बैलेंस की कोई घटना ना हो। लड़की पकड़ी गई सर जी, हमारी लड़की बड़ा मुश्किल छोड़ी आज गई जी। ये आपकी बच्ची कितनी बड़ी थी? हमारी बच्ची 13 साल की है। कहाँ से पकड़ी गई थी? खेल रही थी, क्या कर रही थी? जी ये कितने टाइम की घटना है? अभी हो गई है आधा घंटा हो गया। तो आपको सूचना कैसे मिली? हमारी हम लोग आ रहे थे स्कूल से जी। पहले तो वो आदमी उल्टे साइड था, सीधी साइड होके गन्ने में घुस गया जी। फिर हम लोग आगे निकला है तो वो पीछे से पकड़ने की कोशिश की उसने। फिर उसने पकड़ने की तो एक लड़का था, उसने कहा कि भागो, तो उसने कहा कि भागो, तो हम लोग भागे तो उसने छोड़ा नहीं, तो उसकी कल्लू की लड़की को पकड़ लिया, पकड़ के खूब मारा, उसके मुंह से खून निकल आया। फिर उसने एक आदमी खड़ा था वहाँ पर, तो उसने रोका तो वहाँ पे बैठ गया, बैठ के हम लोग भाग आए थे। और उसने पहले डाला वाले ने खूब मारा और मोटरसाइकिल ने मारा। नहीं, तुमको किसने बचाया? हमको बचाया एक आदमी था, उसने बचाया। अजनबी आदमी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।